लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुजर जाने के बाद भी 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने के बाद भी वो तुम्हें पा ना सकी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ। चंद घंटों के लिए खरीद के लाए सामान की जैसी नहीं हूँ मैं पत्नी हूँ आपकी, धांग रही हूं मैं आपकी। तो ये है पूरी बात शुभम। अब तुम एक वकील हो, मुझे कोई ऐसी सलाह दो कि मैं उस नागिन बीवी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। कुछ ऐसा कर दो कि हमेशा हमेशा के लिए मेरा उससे पिंड छूट जाए। मैं पायल के लिए तुम्हारे अंदर जड़जमे प्यार की ताकत को अच्छी तरह समझता हूं और महसूस भी करता हूं, पर मुझे अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जीवन मृत्यु ये सब तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं भगवान भी। और दूसरी बात, कोई किसी की वजह से नहीं मरता, सब अपनी मौत मरते हैं। हम अपने दिल की तसल्ली के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालते हैं और किसी न किसी के ऊपर थोप देते हैं, जैसा कि आपने थोपा अपनी बीवी पर, जबकि इसमें आपकी बीवी का कोई दोष नहीं, वो कहीं से जिम्मेदार नहीं है। अगर वो जिम्मेदार नहीं है शुभम, तो तुम मुझे बताओ कि मेरी पायल की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? हालात ऐसा पैदा हो गया तुम दोनों के बीच कि वो बदहवास होकर निकली और उसका एक्सीडेंट हो गया। नो, सॉरी शुभम, लेकिन मैं तुम्हारी इस दलील से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे तो लगता है शुभम कि तुम इस मसले पे एक वकील की तरह नहीं बल्कि एक संत की तरह सोच रहे हो और वैसे ही बातें कर रहे हो। शुभम, तुम नहीं समझ सकते मेरे दर्द को, तुम नहीं समझ सकते मेरे जज्बात को, कोई नहीं समझ सकता उन पलों को। खैर शुभम, तुम मुझे ये बताओ कि उस नागिन बीवी से तुम मुझे तलाक दिलवा सकते हो या नहीं? हाँ,
दिलवा सकता हूँ। ये हुई ना वकीलों वाली बात। शुभम, तुम वो तलाक के पेपर्स रेडी करवाओ। मैं रेडी नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करोगे शुभम? मैं पैसे दूंगा यार, तुम्हारी फीस दूंगा। बात पैसों की नहीं तो बात रिश्तों के आधार की है। मैं एक वकील के साथ साथ इंसान भी हूं और इंसान का धर्म है रिश्तों को तोड़ना नहीं जोड़ना। एक दोस्त होने के नाते यही सलाह दूंगा कि तुम अपने नजरिए को बदलो, जीवन खुशहाल हो जाएगा। अतीत को सीने से सटाए जिंदगी के रास्ते तय नहीं किए जाते दोस्त, वर्तमान के सहारे सुनहरे मंजिल की ओर बढ़ो मेरे दोस्त। तुम अपने पिता की पसंद की इज्जत करो, तुम अपनी बीवी में अपने प्रेमिया की तलाशने क्यों नहीं कोशिश करते? ये कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं आप? राइट, आपको ऐसा लग रहा है पर है नहीं। कैसे नहीं है? जिसकी वजह से किसी की जान जाए वो भी तो हत्यारा ही होगा ना। अगर कानून ऐसा करने लगे तो अंधेर कर दी कहलाएगी। आपका कानून बेकार है, एकदम बकवास। शायद इसीलिए कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है ताकि वो सच्चाई को ना देख सके। आप कानून को नहीं समझ पाएंगे। कानून भावनाओं से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है इंसान, जो आप चल रही हैं। एनीवे, आप लोग मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। बाय मन्नी। बाय बाय। नाना, अरे नेताजी, रउआ पहले हमार पूरा बात तो सुनी। रउआ अगर ऊ पटकवा से कह के हमरा के बालू के टेंडर दिलवा दे तो रउआ पार्टी के फंड में हम डोनेशन देब नू। काहे? अरे नेताजी, अच्छा नेताजी तनिका ध्यान दे देन तो हमार काम हो जाए। का काल फोन करें? अच्छा ठीक बा, हम काल फोन करते हैं। रखा तो नहीं हम सब जगह हाथ पाँव मार के देख लेंगे। बुझाता ही ठीका में हमारा धूल चाटा ही के पूरी। का करी का करी? ये जी एगो ठेका खातिर रउआ इतना परेशान मत हो, दस को काम बढ़ ले नूबा। एगो ना हुई तो का हो जाई? नाक कट जाई हमार, पूरा जैसरा के सामने हमार नाक कट जाई। ओकरा ताली बजावे के ताना मारे के मौका मिल जाई जौन हम होखे नहीं के दिहल चाहत। कुछ ना कुछ कर रही के पड़ी ये ठेका लेवे खातिर। बन ठन के चल दिलू जजी करे, मरद घर से लापता बा परवाह नहीं के, बाकी मटर गस्ती के परवाह बा। बाप रे बाप, तू ना जेबू ऑफिस तो अनहरिया छा जाई ना दुनिया में। हैं ऐसन मेहरारू बेअकल बेफिकर हम ना देखले रहली। हे भगवान, कहा करी हम? फुआ जी, हमरा फिक्र बा जे नहीं के हमरा समझ से नाता है बतावे के चीज है ना ही दिखावे के। एक्सक्यूज मी जी।
जी आंचल जी से बात हुई है कि वो कब तक ऑफिस पहुंच रही हैं? बस घर से तो निकल चुकी है, आती होगी जी। ओके लड़की कौन है? पायल, पायल नाम है इसका। एक कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग में आंचल ने काफी इंटरेस्ट लिया था। उसने बहुत मेहनत की, उस लड़की की सारी डिटेल्स उसने ढूंढ निकाली थी। बेट इंचार्ज आंचल थी? नहीं, थी तो दूसरी, पर वो भी गई थी स्पॉट पर। फिर अपने आप को इस रिपोर्टिंग के लिए तैयार करने के लिए आंचल ने काफी मेहनत की। वो उस लड़की के घर भी गई, वहां उसकी बहन मिली। उसके बाद से तो आंचल ने इसमें इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि पूछिए मत। यहाँ तक कि आंचल की पूछताछ की वजह से उस लड़की की बहन हमारे साथ काफी बदतमीजी से पेश आई, पर आंचल फिर भी पीछे नहीं हटी। वो बस लगी रही इस केस के पीछे। अभिमन्यु का गर्लफ्रेंड में आंचल का क्या इंटरेस्ट हो सकेला? काहे इतना रुचि लेता रही आखिरी केस में? नेताजी प्रणाम, हम सूरज सिंह बोला था। नहीं, अरे नेताजी कुछ भी करी कैसे भी करी ठीक है, हमरा मिलेगा चाहिए। अब तो मोच के बात बा। अरे नेताजी रोवा ना करम तो केकरा से हुई, हम तो एकदम लाचार बनी। ठीक बा, देखा तनी जी, रखा तनी, प्रणाम। तेने तो हाथ उठा दलस, अब का करी समझ में नहीं खे। घबरा मत सूरज भैया, वो कहल जाला ना कि एक रास्ता बंद होला तो 10 रास्ता खुल जाला। ये सूरज भाई एक काम करी, का हो पटाखवा के गोली से उड़ा दे उतनी, ना रही बांस ना बजी बांसुरी ना चिमनी। खून खराबा से ना, खून खराबा से हासिल कई चीज में बरकत ना होला। इसे दूसरा उपाय सोचो ना। अब तो मंत्री या प्रधानमंत्री बाचल बना दे बाबू साहेब। अरे तू कवना काम खातिर मंत्री या प्रधानमंत्री का बात होता बाबू साहेब? बाय गुड ठेका के पैरवी करवाए के बात चलत रहे। कौन चीज के ठेका? सोन के बालू निकलवाए खातिर के दे ठेका। बाय गो पटकवा पाठक कवनु रमाकांत पाठक था ना? हाँ हाँ वो है, तू जाने लो होकरा कटारी केकरा के ना जानत बाबू साहेब। कटारी के कटार से सब एक दिल घायल बा।
आईसन कहता ये ठेका वाला काम हम करवा दी। ये सूरज भाई का विचार बा? चिमनी सूरज सिंह के उदिन निखे आई कि कौन औरत के सहारा लेके अपन मंजिल हासिल करेगा परे। बाबू साहेब एकरा में कोनो हर्जा नहीं खे। वो निपुता ये उम्र में हमरा पर मोहाइल बा। हमरा के देखते ही ओकरे मुँह से लार चुए लगेला तो ओकर फायदा उठा के काहे कागज पे साइन न करा ली। ना हिंग लगे न फिट करी और रंग चोखा हो जाई। हतला सोच लू एकरा खातिर धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नीता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, मैंने आपके लिए एक कीप एंड वीप के ऊपर कुछ लीगल पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर पुरुष या स्त्री में से कोई भी शादीशुदा है और वो कीप रखता है जिसे हम दूसरी औरत का दर्जा देते हैं, यह कानून अपराध है। दैट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। जिस किसी के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो और कोर्ट में वो एक पिटीशन डाल दे तो कानूनन सजा का हकदार होगा। अगर कोई अपने पार्टनर की मर्जी से किसी के साथ रहे तो क्या? नो प्रॉब्लम। अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो क्यों बोलेगा, क्या बोलेगा? जानती हैं, मुझे भी आज एक ऐसा ही करेक्टर मिला, बिल्कुल आपकी लेख की तरह। उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। उसका नाम है अभिमन्यु। सर फाइल रेडी है, मैं लेके आ जाऊं? ओके। शायद आपको साइकोलॉजी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। ऐसी तो कोई बात नहीं। आपके आने से पहले मैं नीता जी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि आप किसी पायल नाम की लड़की के केस एक्सीडेंट में काफी इंटरेस्ट ले रही थी। आप उसके घर भी गई थी। उसकी बहन ने आपको काफी जलील किया, इसके बावजूद आप केस के डिटेल्स देने से पीछे नहीं हटी। क्या मैं इसका वजह पूछ सकता हूँ? खास वजह क्या होगी? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ये काम है। नहीं, शायद मुझे लगा कोई संबंध है उनसे आपका। देखिए, आप अपने काम से काम रखें तो अच्छा होगा। अब आप जाइए, मुझे काम करना है। अचानक ऐसा रूखा व्यवहार, का वजह हो सकेला? कुछ राज तो जरूर हुआ, पता लगा क्यों पड़ी? बाय। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। आपको अगर पायल के बारे में जानकारी चाहिए तो हम कुछ बताना चाहते हैं। पायल? हाँ बोलिए। फोन पे नहीं, अगर पायल के बारे में जानना चाहते हैं तो आज शाम 4 बजे कुंवर से पार्क में आकर हमसे मिलिए।
हेलो हेलो, पायल के बारे में क्या हो सकेला? ये आदमी से हमरा के मिले ही के पड़ी। झूठ मूठ का किस्सा कहानी हमरा आगे जीन बनावा। देखा, हम तहरा के आखरी बार कहता, हमार पीछा छोड़ दा, हमरा के ये रिश्ता के डोर में बांधे का कोशिश जीन करा। आचल प्लीज आचल रुक जाओ आचल, आचल मैं तुम्हें इस तरह घुटते नहीं देख सकता आचल, आचल प्लीज प्लीज रुक जाओ आचल, तुम्हें इस तरह घुटते देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक सकता आचल, नहीं रोक सकता।